देखो वही प्रोजेक्टाइल मोशन ले लिया अपन ने, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, पाथ हो गया पैराबोलिक पाथ है ना, और इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ है। अब क्या कर रहे हैं हम, कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो किसी पी पॉइंट लिया एक मैंने। अब बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, जो प्रोजेक्टाइल है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और किसी टाइम टी पर जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स वाई है। किसी टाइम टी पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं इसको कि भाई लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम, ठीक है, लेट एट एनी टाइम टी, ठीक है, लेट अस कंसीडर एट एनी टाइम टी एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्या होगा, एक्स इज अ डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो यहां पर अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की कवर हुई है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, यही बात हुई ना भाई, ये डिस्टेंस एक्स हो गई। ऐसे ही वाई के कोऑर्डिनेट देखें तो ये पॉइंट देखा जाए तो ये डिस्टेंस वाई हो गई, यानी टी टाइम पर वो एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स चला, और वाई एक्सिस पे कितना चला है, वाई चला है, ठीक है। तो लेटेस्ट कंसिडर एट एनी टाइम टी एक्स एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, समझते जाना पॉइंट को। एक्स टी टाइम पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके वो क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो टी टाइम में एक्स एक्सिस पर तो वो एक्स चल लिया होगा और वाई एक्सिस पर वाई चल लिया होगा, और दोनों का कंबाइन मिला के ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके एक्स वाई, है ना। तो ये तो एक बात हो गई। नाउ नाउ आई वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम टी, टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में कैसे, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ये तो हमने लिख दिया ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ कर देते हैं ऑन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, यू एक्स है, और यू एक्स इज इक्वल टू कितना है, यू कॉस थीटा है, ध्यान से देखते जाना, एक्स एक्सिस पर जो इनिशियल वेलोसिटी है कितना है, यू एक्स है, और यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा है, तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा आ जाएगा। आराम से देखना, मैं बहुत रिलैक्स होके आपको शांति से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से देखो, आप लोग कन्वर्सेशन करो, बताओ मुझे, है ना, और वही है पढ़ने का असली तरीका। मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे अभी डिराइव करा दूँ 1 मिनट में, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप समझो बात को कि हो क्या रहा है पॉइंट। एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू एक्स इजिकल टू यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पर जो है वेलोसिटी है यू वाई इजिकल टू यू साइन थीटा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर, यहाँ ओ पॉइंट पर, जब टाइम क्या था, जीरो था, जब टाइम क्या है, टी वन इजिकल टू 0 सेकेंड है, टी वन 0 सेकेंड इसके लिए भी है और टी वन इजिकल टू 0 सेकेंड इसके लिए भी है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब मैं कहूँ कि भाई एट टी वन इजिकल टू टी सेकेंड, एट टी वन इजिकल टू टी सेकेंड यहाँ भी और एट टी वन इजिकल टू टी सेकेंड यहाँ पर भी, तो अब हमारे पास क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी जो होगी एक्स एक्सिस पर, मैं उसको बता देता हूँ वी एक्स से बता देता हूँ, तो मुझे ये कौन बताएगा कि एक्स एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी। फाइनल वेलोसिटी मतलब टी सेकेंड पर, टी टाइम लिया है ना बेटा, यहाँ देखो ये टाइम हमने कितना लिया है, टी लिया है, तो आप में से कौन बताएगा कि वी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बताएगा, टाइम देता हूं मैं आपको, और आप चाहो तो मैं हिंट भी दे सकता हूँ, बोलो कितना आएगा सर, एक्स, वी हाँ एक्स बोल, तो यू कॉस थीटा आएगा ना। यू कॉस थीटा ही आएगा, वेरी गुड। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि बेटा देखो आपको मैंने क्या सिखाया है, हमने आपको सिखाया है कि एक्स एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, समझे बात को। तो यहाँ पर जो वी एक्स आएगा आपका बेटा वो यू कॉस थीटा ही आएगा,
वेरी गुड क्रिश, बहुत अच्छा बेटा। Vx क्या आएगा? u cos थीटा ही आएगा। अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि y एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो y एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, कौन बताएगा कैसे निकालें y v एक्सिस? बोलो। इक्वल्स टू u प्लस 80। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे। ये भी मैंने आपको दिखाया है, देखो y एक्सिस पर आपको कुछ भी वैल्यू निकालनी है तो आपको ये लगाना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। तो बहुत आसान है, बस चीजों को समझना है ना, और बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर ए वाई, और टाइम तो टी है ही सही। वैल्यू पुट करो, यू वाई कितना है आपका, यू वाई आपका यू साइन थीटा है तो यू साइन थीटा रख दो, ठीक है। वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा रहे हो, यू साइन थीटा हो गया, प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी है, और टाइम कितना है, टी है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर हो गई, ये वाई एक्सिस पर हो गई। अब आपने क्या करा, इनको अलग अलग स्टडी कर लिया, अलग अलग स्टडी कर लिया, एक्स एक्सिस पर स्टडी कर लिया, वाई पर अपना तो जो प्रोजेक्टाइल है वो तो एक्चुअली एक्स और वाई दोनों में ही चल रहा है ना, तो इनको मिलाना पड़ेगा, तो मिलाना पड़ेगा, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अपन लिखेंगे। तो हम यहाँ करेंगे कि भाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, इनको कंबाइन करो। तो फाइनल वेलोसिटी को अपन v से बता देते हैं, तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v x i कैप, x एक्सिस के लिए i कैप, और y एक्सिस के लिए क्या लगाओगे, j कैप लगाओगे। आई बात समझ में, जो अपन अभी पहले पढ़ के आए हैं उसका फायदा आपको यहाँ मिलेगा। x एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसके लिए i कैप आएगा, y एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसके लिए j कैप आ जाएगा, और फाइनली v x की वैल्यू क्या रखोगे आप, u cos थीटा, तो ये आ जाएगा u cos थीटा i कैप, एंड प्लस वी वाई की वैल्यू यहां से रखोगे आप यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये आ जाएगा जे कैप। ये आ गया बेटा आपका थर्ड इक्वेशन, है कि नहीं है? समस्या उन लोगों को है जो बिना सोचे समझे उसको रटते हैं, ये चीजें कठिन उनके लिए है जो बिना सोचे समझे सिर्फ रटने का काम है जिनका, उनके लिए तो ये कठिन है, हार्ड है, भूल जाएंगे कितना भी रट ले भले ही वो, पर जिसको कॉन्सेप्ट से आता है वो फटाफट से डिराइव करेगा, खटाखट निकाल देगा, समझ में आई नहीं आई, और मिस्टेक होने का चांस जीरो है, जीरो चांस है कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी, तो हो ही नहीं सकता गलत आपसे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। आई बात समझ में? नहीं आई, ठीक है, बोलो भाई यस नो, आया समझ में? यस तो इस तरह से आप निकाल सकते हो फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम टी पर, तो किसी टाइम टी पर ये फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि भाई ये पैराबोलिक पाथ आ रहा है ना, तो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग ठीक है, सो नेक्स्ट इज द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ इक्वेशन, ठीक है, जिस पाथ पर वो जा रहा है। हमें तो पता है कि भाई पाथ पैराबोलिक है, पर हम उसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो इसको पाथ इक्वेशन भी कहते हैं कि भाई पाथ इक्वेशन, पाथ इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। और ये भी आप काफी आसानी से कर सकते हो, पाथ इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना आप, देखो हम ये कहें कि भाई ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि टी टाइम में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर तो कितनी है, एक्स है, और वाई एक्सिस पर क्या है, वाई है, ठीक है। तो हम ये यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं, पीछे से रेफरेंस ले लेना, ये लेटेस्ट कंसीडर से रेफरेंस ले लेना। मैं लिखता हूँ कि भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल
ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्सिस को कैपिटल लेटर से लिखा करो आप, ये अपनी आदत डाल लेना, एक्सिस जब भी लिखो कैपिटल लेटर से लिखना, बाकी फिर ये तो पॉइंट्स है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ऑन एक्स एक्सिस, तो ऑन एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टी टाइम में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन बताएगा? एक्स एक्सिस पर टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, भाई और कोई बता रहा है? संस्कृति, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इधर देखो आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कोई फॉर्मूला नहीं लगना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है? तो फॉर्मूला जो लगाओगे आप वो होगा स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है बेटा? तो स्पीड एक्स एक्सिस पर स्पीड कितनी है, एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहा हूं ना मैं, तो एक्स एक्सिस पर स्पीड कितनी है, यू एक्स, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में कवर कर रहा है, टी टाइम में कवर कर रहा है। तो यहां से टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स डिवाइड बाय यू एक्स, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आई यहां तक बात? ऐसे ही अब हम निकालना चाहते हैं कि भाई वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी अपन को, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं लगा लेता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस ये वाई के लिए लगा रहा हूं, तो यह वाई वाई लिख देना आप, ये वाई लिख दिया। अब वाई एक्सिस पर टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, y एक्सिस पर t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, y डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये y लिख दिया। देख लो आप यहाँ पर t टाइम में कितनी y डिस्टेंस कवर कर रहा है वो y एक्सिस पर, ठीक है, t टाइम में, ठीक है ना? तो ये y आ गया। अच्छा यू वाई को तो एज इट इज रहने दो, t यहाँ रहने दो, प्लस 1/2 रहने दो, ए वाई कितना आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा, पता है आपको, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट कर देंगे। तो टी को कैसे एलिमिनेट करोगे, टी की वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यू वाई, टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स डिवाइड बाय यू एक्स, ठीक है, देन माइनस हाफ जी, ठीक है, और इधर आ जाएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब एक्स डिवाइड बाय यू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये जो इक्वेशन अपने पास आने वाली है इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप देख लेना इसको, ठीक है। हाँ, हमने क्या करा, टी को एलिमिनेट करना है मुझे, ठीक है। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करा मैंने, इक्वेशन वन से टी की वैल्यू कहाँ रख दी, इक्वेशन टू में। इक्वेशन वन से टी की वैल्यू कहाँ रख दी है, इक्वेशन टू में रख दी है, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको, देखो यू वाई की वैल्यू तो क्या है, यू साइन थीटा है, ठीक है, एक्स रहने दो, यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, ठीक है, देन माइनस हाफ ये जी आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया यहां तक, इस यू से इस यू को कैंसिल कर दो, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय, ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास, ये इक्वेशन बनी है ना। तो अब देखो इसमें ये आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। देखो दो पावर जब आ जाती है, दो पावर जब आ जाती है ना, तो दो पावर आती है तो जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। आप यहाँ ध्यान से देखो कि मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी आ रही है, मैक्सिमम पावर आ रही है टू, ठीक है, टू पावर आ जाती है तो हाँ यू स्क्वायर है ना आपका, यू स्क्वायर लिखेंगे ना अपन, ये रहा यू स्क्वायर, ये रहा, ठीक है, यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री,
ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है या पाथ इक्वेशन है, ठीक है। इसमें से हम जैसे एक्स टेन थीटा कॉमन भी ले सकते हो आप, एक्स टेन थीटा कॉमन लेके भी एक इक्वेशन और बन जाती है, बट ठीक है, आप यू कैन रिमेम्बर दिस इक्वेशन ऑल्सो डेट वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ले चलो कॉमन निकाल के दिखाऊं आपको, देखो आप जैसे एक्स टेन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो एक्स टेन थीटा कॉमन लोगे तो हो जाएगा वन माइनस वन बाय टू, ठीक है, ये हो गया जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ये हो गया। अब एक्स टेन थीटा कॉमन ले आए तो यानी कि एक्स टेन थीटा का डिवाइड होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स टेन थीटा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा। देखना आप इक्वेशन, यू कैन रिमेम्बर दिस इक्वेशन ऑल्सो, इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस एक्स से इसको कैंसिल कर लो, है ना, और इस स्क्वायर से इसको कैंसिल कर लो, ये कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया इस तरह से, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देख लो आप इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स एक्स टेन थीटा, ये एक्स टेन थीटा आ गया, तो वन माइनस ये जाएगा जी वन माइनस वन बाय टू, ये हो गया, और ये हो गया आपका जी एक्स स्क्वायर कैंसिल ही कर दिया तो ये जी एक्स यहाँ से आ जाएगा, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह से भी इक्वेशन बन जाती है ना, वो भी कर सकते हो आप, बट यू कैन रिमेम्बर दिस इक्वेशन नंबर थ्री, थर्ड वाली जो इक्वेशन है उससे आपका हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कहलाती है हमारी पाथ इक्वेशन, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन एंड इट शोज दैट and it shows that path of a projectile, ठीक है, path of a projectile is parabolic, path of a projectile क्या है, parabolic, ठीक है, so this is the trajectory equation for a projectile motion। तो समझ में आया trajectory equation कैसे derive करोगे, y is equal to x tan theta minus 1 by 2 gx square divided by u square cos square theta, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया, कर लोगे derive, trajectory की equation derive हो जाएगी, ठीक है, easy है, okay। तो आज अभी तक हमने क्या करा है, दो मैंने आपको solve करके बताए हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू, यही चाहता हूँ मैं तो समझा सकूँ आसान से आसान तरीके से, है ना। तो देखो दो चीजें मैंने बताई है, टू पॉइंट्स अभी तक डिस्कस करें, एक तो मैंने फाइनल वेलोसिटी निकालना सिखाया आपको कैसे निकालते हैं, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी आ गई आपके पास, इसके अलावा आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाला, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। अब हमारे पास और कितनी डेरिवेशन है इसमें, और डेरिवेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज की है, टाइम ऑफ फ्लाइट की है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट के अलावा मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फाइंड आउट करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, और आप देखना काफी इजी है ना, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने डिफाइन कर लिया है कि भाई टोटल जो टाइम लगता है उसका, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा करने में जो उसको टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ वाई एक्सिस के लिए कि भाई ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम, देखना आप वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखी एस या ये वाली इक्वेशन लिखते हैं अपन, देखना ये इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, या हम इसको कर सकते हैं एस वाई इज इक्वल टू
यू वाई स्मॉल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन दिख रही है आपको। अगर मैं इस इक्वेशन में ये कर दूं कि इफ इफ स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो कौन बताएगा कि एस वाई कितना हो जाएगा? स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी का मतलब ये है कि भाई ये यहाँ ये वाई एक्सिस पे देखना है आपको, वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्टाइल है वो कैपिटल टी टाइम में कहाँ, कैपिटल टी याद है आपको, कैपिटल टी को मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट बोला था, मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने आपको पढ़ाया था, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ाया था, मतलब वो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा ऊपर से वापस नीचे आएगा, तो वो जो टोटल टाइम निकला था 2u/g, अगर आप में से किसी को ध्यान हो 2u/g ऊपर जाएगा वो u/g था और ऊपर से वापस नीचे आएगा u/g, तो टोटल क्या हो गया 2u/g। तो ये जो 2u/g है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी वो कितनी होगी, कौन बताएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा, यही तो हुआ ना टोटल टाइम टी, स्मॉल टी ऊपर जाने में लगेगा फिर स्मॉल टी नीचे आने में लगेगा, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू मैंने 2t कर दिया था अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, वो ओ से जाएगा, ओ से सी तक जाएगा और सी से वापस ओ आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका जीरो। समझ में आई बात? डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा उसका, जीरो आ जाएगा, है ना, बस यही समझना है आपको। तो ये जो एस वाई है इस एस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। सबको समझ में आई नहीं आई बात? तो यानी कि अगर ये स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी हो जाए तो एस वाई जो होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसको आप रख दो यहाँ पे, एस वाई की वैल्यू जीरो कर दो, ये यू वाई कर दो, स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी कर दो, देन माइनस 1/2 और ये जी और ये कैपिटल टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/2 जी कैपिटल टी का स्क्वायर और ये आ जाएगा यू वाई और ये हो जाएगा कैपिटल टी, इससे इसको कैंसिल कर दो। तो आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ यू वाई डिवाइड बाई जी आ जाएगा। और बेटा इधर देखना जरा आपके भाई यू वाई कितना होता है, यू वाई तो आपको पता है कितना होता है, यू साइन थीटा होता है, तो टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बोलो आसान है कि नहीं है, इजी है ना, काफी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यह आ गया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया, 2u sin θ / g, इजी है, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये बताओ जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, और भाई ये मोहित ही मोहित बोलता रहता, आप बाकी लोग भी तो बोलो, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो एक्स एक्सिस पर लोगे के वाई एक्सिस पर लोगे, एक्स एक्सिस पर लोगे वाई एक्सिस पर लोगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे उसकी एक्स एक्सिस पर लेंगे उसकी तो डेफिनेशन ही यही होती है, उसकी तो डेफिनेशन ही यही है कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखना चाहूँ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली है क्या, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि जो एक्स एक्सिस पर जो आर डिस्टेंस कवर हो रही है कितने टाइम में कवर हो रही है, जो ये आर डिस्टेंस कवर हो रही है कितने टाइम में कवर हो रही है, बोलो, डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, एक्स एक्सिस पर जो आर डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर हो रही है, जल्दी बताओ। हाँ बोलो भाई, दिख रहा है ना वहां पे, कैपिटल टी टाइम में कवर हो रही है कि नहीं। तो आप बहुत आसान है, फॉर्मूला लगा दो इसमें, देखो आप डिस्टेंस क्या है, रेंज हो गई कैपिटल आर, स्पीड क्या है एक्स एक्सिस है तो यू एक्स लोगे, और टाइम क्या है कैपिटल टी, ठीक है, टाइम कितना आएगा कैपिटल टी आएगा, तो यू एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, यू कॉस थीटा रख देंगे, टी तो आपने निकाला ही था, टी कितना है 2u sin θ, 2u sin θ डिवाइड बाय जी निकाला था आपने, ये रेंज आ जाएगी। इसको और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 sin θ cos थीटा आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, और 2 sin θ cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2θ का, तो यू स्क्वायर और ये आ जाएगा sin 2θ और डिवाइड बाय आ जाएगा जी। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया हमारे लिए, अब देखो कितना आसान है,
ये फॉर्मूला किसका बन गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इजी है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। अब एक लास्ट बचा है फॉर्मूला, उसको लेते हैं और फिनिश करते हैं लेक्चर को। तो लास्ट जो है फॉर्मूला वो क्या है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास बचा है वो है मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट देखते हैं क्या है, मैक्सिमम हाइट। अब मुझे ये बताओ, ये मैक्सिमम हाइट जो है वो एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है? मैक्सिमम हाइट जो है वो एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है? बोलो कहां पर है, वाई एक्सिस पर है। तो ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ले लो आप, वाई एक्सिस पे फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वाई एक्सिस पे लगाओ, ये वाई एक्सिस पे लगाया, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो y एक्सिस पे जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, y एक्सिस पर, y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, y एक्सिस पर जब प्रोजेक्टाइल अपने मोशन में मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मुझे बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम हाइट पर? जीरो होगी। वेरी गुड, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। तो ये तो जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर यू वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये तो आपको पता ही है माइनस जी आता है, और हाइट आपने h मानी है। मैक्सिमम हाइट कितनी मानी है अपन ने, h। मैक्सिमम हाइट को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, h से डिनोट कर रहे हैं ना, तो ये h आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यू वाई का स्क्वायर, और माइनस ये आ जाएगा टू जी, और h आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो टू जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यू वाई स्क्वायर, और यहाँ से h जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय टू जी। ठीक है, अब यू वाई तो आपको पता ही है, यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा होता है। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू जी, ये डिवाइड बाय टू जी। ये आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू जी। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखो, हमने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अभी तक स्टडी कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाल लिए उसके, और प्लस कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर लिए उसके, क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा है कि अब इसमें कुछ वेरिएशन भी अगर होता है ना, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ओरिजेंटल रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, देन फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ये सब। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको रटो नहीं, फॉर्मूले तो याद करो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाना है, तो फॉर्मूला तो याद कर लो, पर स्टेप्स रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हो विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कभी भूलोगे भी नहीं, इन योर लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो ये है।